हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी। आज हम आप सबको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की तैयारी करवाने वाले हैं, जिसके लिए हमने पिछले कुछ दिनों से, जैसे मैंने इंग्लिश की वीडियो नहीं बनाई तो उसमें मैंने आपके लिए एक टेस्ट तैयार किया है। आज वही टेस्ट मैं आपके सामने प्रैक्टिस करवाऊँगा, जिसमें से हम आज आपको 15 क्वेश्चन बोलने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने 15 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन के आपके सामने 3 चॉइसेस होंगे, ठीक है। आगे जो एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं, HSSC SSC वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देंगे, वहाँ आपके सामने 4 चॉइसेस होंगी, बट हम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको 3 चॉइसेस बिल्कुल इजी करेंगे। 3 चॉइसेस में से ही आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ, ताकि आप बाद में उनकी प्रैक्टिस कर सकें। उसके बाद हर 3 चॉइसेस में से एक करेक्ट आंसर आपको खुद चूज़ करना है। लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम आपको खुद वो करेक्ट आंसर नोट डाउन करवा देंगे, जो भी करेक्ट आंसर होगा वो नोट डाउन करवा देंगे। तो चलिए इसी के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं हमारा। जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि हम कैसे 3 एग्जांपल क्या होंगे, 3 चॉइसेस वगैरह कैसे आपको आंसर देना है। तो जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, लुक एट हिम ही डैश वेरी क्विकली, ही डैश वेरी क्विकली, ठीक है। तो थोड़ी राइटिंग आगे ध्यान रखेंगे, ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए, लुक एट हिम ही डैश वेरी क्विकली। इसका एक ऑप्शन लिख लिए रन, बी ऑप्शन लिख लिए इज रनिंग, थर्ड ऑप्शन लिखिए इसका रन्स। एक सेकेंड, तो ये देखिए, लुक एट हिम ही डैश वेरी क्विकली, यहाँ पे जो ये वर्ड शो कर रहा है आपको, वेरी क्विकली क्या शो कर रहा है कि अभी उसको देखिए वो क्या कर रहा है, रहा है, रहे हैं। वहाँ पे आपको पता ही कि आप क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर यूज़ करते हैं, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING लगाएंगे, तो RUNNING रनिंग, ठीक है। तो इसका आंसर, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज रनिंग, मतलब लुक एट हिम ही इज़ रनिंग वेरी क्विकली। तो चलिए इसी के साथ अब मैं 15 क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूँ, साथ साथ उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ मैं आपको उनके आंसर्स भी नोट डाउन करवा दूंगा। पहला क्वेश्चन करते हैं हम, मोस्ट स्टूडेंट्स डैश इन द मॉर्निंग डैश टू स्कूल इन मॉर्निंग। अब इसके 3 ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ, ए बी सी, वॉक आर वॉकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोस्ट स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आपके सामने हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मॉर्निंग में स्कूल को जाते हैं, तो मतलब ये डेली जो काम है, एक उनकी हैबिट है ये, तो हैबिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, तो इसका मतलब हम इस ऑप्शन को तो बिल्कुल गलत कर देंगे, और वॉकिंग को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कंटिन्यूस तो है नहीं, ये क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनेट है। तो यहाँ पे हम अब देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल, स्टूडेंट्स कैसे हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ES, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉक हो जाएगा। वीडियो पॉज कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो
तो चलिए इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन सी दैट द एम्प्लॉयमेंट डैश. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हम आपको देते हैं इंक्रीज, सेकंड इंक्रीजेस, थर्ड इंक्रीजिंग. ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए फ्रॉम दिस ग्राफ, ये एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है कि इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारी इंक्रीज कर रही है. ठीक है, तो वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, रहा है रही है, वो वापस आ गया. तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो अब भी बढ़ रही है, वो बढ़ चुकी है या फिर बड़ी है वो नहीं बता रहा, ये बोल रहा है कि अभी जो ये सामने हमारे ग्राफ है, जो काम कंटिन्यूसली हो रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे कि अभी जो हमारे सामने ग्राफ है उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. तो इज इंक्रीजिंग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन सी दैट द एम्प्लॉयमेंट डैश इंक्रीज इंक्रीजेज इज इंक्रीजिंग. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग. तो ये कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करवाते हैं आपको. अभी जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल भी करवाया, एक रियल सेंटेंस भी करवाया, तो अब मैं आपको एक नेगेटिव सेंटेंस की करवाता हूँ प्रैक्टिस. माय मदर डैश ए फोन एट हर यंगर एज व्हेन तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो ये देखिए माय मदर डैश अ फोन व्हेन शी वाज यंगर. पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे हैडंट, दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे वाजंट हैविंग, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है डिडंट हैव. ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आपके नेगेटिव सामने आ रहे हैं, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर जो आपके ऑप्शन हैं जिनकी वजह से क्या था कि एक तो ये पास्ट में है, दूसरा क्या है इसके अंदर नेगेटिव सेंस आपके सामने आ रही है. तो इसके लिए हम सभी जो जो हमारे पास ऑप्शन है एक बार उनको यहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि करेक्ट मीनिंग कौन बना रहा है. अगर हम यहाँ पे इसकी जगह हैडंट लिख देते हैं, माई मदर हैडंट ए मोबाइल फोन. ठीक है, यहाँ पे हैडंट एक क्या कर रहे हैं, एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, बट इसके साथ कोई भी मेन वर्ब आई नहीं रही. हेल्पिंग वर्ब तो है बट मेन वर्ब का है, मेन वर्ब मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन को तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते. सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेकेंड ऑप्शन अगर हम यूज़ करें वॉजेंट हैविंग, वॉजेंट हैविंग में क्या है, माई मदर वॉजेंट हैविंग अ फोन व्हेन शी वॉज यंगर, उस टाइम वो कर रही थी, ये कोई काम नहीं हो रहा, मतलब कि पास्ट में कोई कंटिन्यूस वर्क नहीं है ये. तो यहाँ पे हम वॉजेंट को भी यूज़ नहीं कर सकते, ना ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है डिडंट हैव, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो माई मदर डिडंट हैव अ फोन व्हेन शी वॉज यंगर, तो इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है. हमारे यहाँ पे दो क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हुए हैं, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर. तीन क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस करवा दिए. फोर्थ हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बोलते हैं किसी जेन को ले लेते हैं. जेन डैश द डिनर व्हेन द फोन रैंग. ठीक है,
जेन डैश द डिनर व्हेन द फोन रैंग्ड। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन हम आपको देते हैं। एक आपको पहले ही पता चल रहा है कि ये जो फ़ोन रैंग है पास्ट फॉर्म को दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक हमने आपको बोल दिया कि एक हिंट हमने आपको पहले ही आंसर को चूज़ करने के लिए दे चुके हैं। सेकंड हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं वॉज कुकिंग। थर्ड हमने बोला हैड कुक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, कुकिंग, वॉज कुकिंग, कुक्ड, हैड कुक्ड। इसके अंदर जो हमारा जेन है, जेन तो हमारा सिंगुलर है, दूसरा क्या है जो ये क्या है पास्ट को शो कर रहा है। तो जेन द डिनर व्हेन द फोन रैंग, अब इसमें क्या करें तीनों को एक बार फिट करके देख लेते हैं। जेन कुक्ड द फूड व्हेन द फोन रैंग, दोनों के अंदर सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, इसका दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, दोनों के दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहे हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस के अंदर जो दो कंबाइंड सेंटेंसेज हैं वो दोनों के दोनों किसी एक सेम टेंस के अंदर कभी नहीं हो सकते। तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो गया। सेकंड अगर हम बोले कि वॉज कुकिंग, कि जब फ़ोन बजा तो जेन खाना पका रही थी, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसकी एक सेंस बन रही है। एक हमारा लास्ट है जेन हैड कुक्ड द फूड व्हेन द फोन रैंग, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जब हमारा एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो हमारा दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इन दोनों में से कोई भी करेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करेंगे वो करेक्ट होगा, बट आप इसमें कुक्ड को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके साथ हमारे चार क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई डैश वॉन्ट टू लिव इन दिल्ली बट नाउ I want to live in Haryana। ठीक है, इसके तीन ऑप्शन हम आपको देते हैं। A used to, B was used to, थर्ड ऑप्शन क्या हो गया वुड। तो आपको यहां पे दिख रहा है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ रहे हैं, हमारे विश आ रही है। तो विश वाले सेंटेंस की मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करवाऊंगा। इनके कुछ रूल्स होते हैं, तीन टाइप के विशेज के होते हैं, एक पास्ट विश होती है, एक प्रेजेंट विश होती है, एक फ्यूचर विश होती है। तो तीनों विशेज के बारे में मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ इस टेस्ट के बाद। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो तीन विशेज जो पास्ट की हैं, प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है, उनमें सेंटेंसेज को कैसे कन्वर्ट करने, कैसे रॉन्ग सेंटेंस को करेक्ट करने, वो सब मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तो उसके हिसाब से जब मैं वो टॉपिक क्लियर होगा तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हमारा आंसर जो आने वाला है वो क्या आएगा। I used to, क्योंकि यहाँ पे दो विशेज दिखा रखी हैं, एक कि अभी प्रेजेंट में वो विश कर रहे हैं हरियाणा में रहने की, लेकिन वो पास, इसका मतलब ये अगर प्रेजेंट की विश है तो ये विश जो दिल्ली में रहने की विश थी वो कब की थी, ये उसकी पास्ट की विश थी। तो पास्ट की विश के लिए मैंने क्या बोला, used to, he used to want to live in Delhi। चलिए अब हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, चार क्वेश्चन हो चुके हैं, पांच हो चुके हैं आई थिंक, हाँ पांच क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। आई रोट ईमेल यस्टरडे। ठीक है, आई रोट द ईमेल यस्टरडे बट डैश इट येट। इसके तीन ऑप्शन की, मैंने कल ईमेल लिख चुका था, मैंने कल ईमेल लिख दिया था
बट अब तक मैंने उसको देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पे हैड पोस्ट बी डिडंट पोस्ट येस्टरडे आ रहा है तो सारे के सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या होंगे पास्ट के अंदर ही दे देते हैं हम आपको हैडंट पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ जो आप पहचान सकते हैं अपने ऑप्शंस के बारे में वो क्या है कि यहाँ पे क्या आ रहा है बट आ रहा है कि हमने कोई काम किया बट अब तक हमने उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला या कुछ भी ऐसा मिले तो इस ये किस चीज़ को शो कर रहा है ये हमारा नेगेटिव सेंस को शो कर रहे हैं नेगेटिव सेंस को। इसका मतलब यहाँ पे हम हैड पोस्ट का तो यूज़ कर नहीं सकते। यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा आई रोट द ईमेल बट हैडंट पोस्ट इट येट। ठीक है तो इसके साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। इन इंग्लैंड विडैश ऑन द लेफ्ट कि हम इंग्लैंड में हमारे लेफ्ट में वॉक करते हैं ए वॉक बी वॉक्स एंड सी वॉक्ड। ठीक है वॉक वॉक्स वॉक्ड तो यहां पे क्या आएगा इन इंग्लैंड वी वॉक ऑन द लेफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन When I arrived at station, the train dash has departed. B is departing. या सी हैड डिपार्टेड। व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन पहले ही दिख रहा है कि ये जो वर्ड शो कर रहा है क्या दिखा रहा है आपको पास्ट की मूवमेंट दिखा रहा है कि पास्ट में जब वो स्टेशन पे पहुंचा था कि जब मैं स्टेशन पे पहुंचा था तब तक ट्रेन जा चुकी थी के लिए हम क्या यूज करेंगे सी ऑप्शन हमारा क्या आएगा Had departed, ठीक है चलिए तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। अब ये मक्खन की तरह चल रहे हैं आई एम बिजी राइट नाउ। ठीक है आई एम बिजी राइट नाउ आई डैश फॉर एन एग्जाम आई एम बिजी राइट नाउ आई एम डैश फॉर एन एग्जाम। तो इसकी पहला जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा एम स्टडिंग दूसरा ऑप्शन विल स्टडी थर्ड ऑप्शन वॉज स्टडिंग। तो ये देखिए मैं अभी बिजी हूँ आई डैश फॉर एन एग्ज़ाम मैं
अभी बिजी हूँ क्योंकि मैं एक एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। वॉज तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये जो अभी राइट नाउ है ये क्या है, प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, तो पास्ट में तो हम जा नहीं सकते, प्रेजेंट के लिए हम फ्यूचर में भी नहीं जा सकते कि अभी मैं बिजी हूँ क्योंकि मैं आगे जाके पढ़ूंगा, ये भी विल स्टडी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, आई एम स्टडिंग, कि मैं अभी बिजी हूँ, राइट नाउ आई एम बिजी बिकॉज आई एम स्टडिंग फॉर एन एग्जाम। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नौ क्वेश्चन हमने आपको लिखवा दिए, सबको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, फिल इन द ब्लैंक्स, और क्योंकि एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप के आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको करेक्ट चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से सबसे करेक्ट कौन, जो करेक्ट है या फिर जो सबसे रॉन्ग है, सबसे रॉन्ग तो मतलब एक ही रॉन्ग होगा उनमें से, ग्रामेटिकली रॉन्ग या ग्रामेटिकली जो बिल्कुल राइट है उनमें से वो आपको चूज़ करना होगा। तो फिलहाल आज हम सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स वालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी दिन आपके लिए वो रॉन्ग स्टेटमेंट वाला भी टॉपिक उठा के लाएंगे, उनके लिए भी टेस्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको। तो चलिए, मार्क डैश फ्रेंच व्हेन ही गोज टू ठीक है, मार्क डैश फ्रेंच व्हेन ही गोज टू University, A option studies, studies, B option हमारा है will study French, और हमारा जो C option होगा वो हमारा है is going to study। देखिए यहाँ पे क्या है, goes, goes मतलब ये present indefinite को show कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये use नहीं कर सकते कि mark क्या कर रहा है, will study, mark university जाता है, will study तो future में चला गया है, present को future के अंदर convert नहीं कर पाएंगे हम इस sentence में। तो दूसरा ऑप्शन जो हम चेक कर रहे हो क्या है, स्टडीज़, मार्क स्टडीज़ फ्रेंच व्हेन ही गोज़ टू यूनिवर्सिटी, स्टडीज़ यहाँ पे आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेंटेंस किस में हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। थर्ड जो हमारा ऑप्शन बचा है वो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा, वो क्या होगा, मार्क इज़ गोइंग टू स्टडी, मार्क इज़ गोइंग टू स्टडी, मार्क वहाँ जाके पढ़ेगा, क्या, जब वो यूनिवर्सिटी जाएगा, यूनिवर्सिटी जाता है तो वो क्या करता है, फ्रेंच सीखने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो चलिए एमिट यूनिवर्सिटी। चलिए इसके साथ अब हमारे 10 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम हमारे लास्ट कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा 11th क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, अब मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ये किसी को नहीं पता होता, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, इट्स ए ऑप्शन हम देते हैं डिफिकल्ट डिसीजन, बी ऑप्शन देते हैं ए डिफिकल्ट डिसीजन, सी ऑप्शन हम देते हैं द डिफिकल्ट डिसीजन। आपने बचपन में ये तो पढ़े हुए हैं, ए एन डी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन अब हम आपको करवाएंगे, कुछ पांच क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ये यूज़ करने हैं। तो ये देखिए, आई डोंट नो व्हाट टू डू, इट्स अ डिफ़िकल्ट डिसीज़न, क्योंकि एक डिसीज़न है उसके आगे हम द तो यूज़ कर नहीं सकते, और विदाउट इनके हम इसको यहाँ पर भी यूज़ नहीं कर पाएंगे,
तो इसका ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो गया, बी, ए डिफिकल्ट डिसीजन। तो इसके बाद हमारे सिर्फ चार क्वेश्चंस और उसके बाद हम आपके लिए और सारी बहुत सारे टेस्ट्स वगैरह लाने वाले हैं। फिलहाल कल का जो हमारा प्रोग्राम है कल हम ज़रूर आपके लिए वो करेंगे, कल ये कल देखते हैं। फिलहाल तो आज का काम करते हैं, दे आर एंड डैश ट्वेल्थ करवाते हैं, दे आर एंड डैश टिकट्स लेफ्ट, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन हम देते हैं मोर, बी ऑप्शन देते हैं मोस्ट, सी ऑप्शन देते हैं हम आपको लॉट्स ऑफ। कि देर आरंट डैश टिकट्स लेफ्ट, वहां पे ज्यादा टिकट्स बची हुई नहीं है, तो आप यहाँ पे मोर यूज़ करेंगे, मोस्ट यूज़ करेंगे या लॉट्स ऑफ यूज़ करेंगे। तो इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड होता है, क्या होता है वो, मैनी मोर लॉट्स ऑफ। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मैनी टिकट्स लेफ्ट। अगर आपके पास ऑप्शन में जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा था मोस्ट, तो मोस्ट और मोर को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। हमें तीन ऑप्शन दे दिए, मैं आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दे चुका था गलती से, कि यहाँ पे मोस्ट दे दिया था मैंने इसकी जगह पे, और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन था वो हमारा फोर्थ ऑप्शन था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज मैनी। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो होगा 13th, इट्स एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। इट्स एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इट इज फुल ऑफ डैश, ए ऑप्शन ए गुड इंफॉर्मेशन, बी ऑप्शन and C option जो भी हमने डिसीजन वाला किया था उसी टाइप से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ये बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, यहाँ पे क्या है, एन ए एन द का यूज़ हम पहले कर चुके हैं, तो अब हमें ना तो ए का यूज़ करना है ना हमें द का यूज़ करना है, हमें क्या करना है, विदाउट ए एन द का यूज़ करना है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉट्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइटिंग को इग्नोर करके सिर्फ सेंटेंस को नोट डाउन कीजिए, बाकी देखते हैं धीरे धीरे सुधारते हैं। Andrew was very helpful, ठीक है, he gave me dash, advice, गुड एडवाइस, ए गुड एडवाइस। तो हमें यहाँ पे देखिए एंड्रू एक बहुत ही हेल्पफुल इंसान है जिसने मुझे ही गेव मी डैश, गुड एडवाइस नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब पहले कोई भी ए एन का यूज नहीं है, तो विदाउट ए एन दे वाला को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या है, गुड है,
यहाँ पे जी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे एन कभी भी यूज़ नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया है। तो थर्ड हमारा जो ऑप्शन है ए गुड एडवाइस, तो ए गुड एडवाइस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए 14 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम आपको लास्ट एग्जाम्पल जो क्वेश्चन बोल रहे हो, तो 15th when I am studying my friends dash in the park। ठीक है, पहला will sit, B option will have a seat, third option will be sitting। कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे, जब मैं पढ़ रहा हूँ, अभी जब मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या हो गया कंटिन्यूस टेंस, तो जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे पार्क में, तो वो क्या हो जाएगा विल बी सिटिंग, विल सिट नहीं आएगा, विल हैव अ सीट नहीं आएगा, क्या आएगा विल बी, कि जब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो मेरे दोस्त वहाँ पे पार्क में बैठे होंगे आराम से मेरा वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे हमारी आज की क्लास ख़त्म होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। कल हम आपको तीन टाइप के, जो मैंने अभी पहले भी बताया, तीन टाइप के जो हमारी विशेज़ हैं, प्रेजेंट विश है, पास्ट विश है या फिर फ्यूचर विश है, वो कल हम आपको ज़रूर करवाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।